Hi everyone, I am Dr. S. M. Raju. क्रॉनिक किडनी पेशेंट्स, लिवर सिरोसिस पेशेंट्स, डायबिटीज पेशेंट्स, अन्य पेशेंट्स के लिए ये कैसा सब्जी बनाना है ये बताता हूँ। अभी मेनली मैं एड्रेस करता हूँ क्रॉनिक किडनी डिसीज, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। वो डाइट फॉलो करें तो हर बीमारी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। क्रॉनिक किडनी पेशेंट्स के लिए बहुत कन्फ्यूजन है। बहुत आदमी बोलता है आलू नहीं खाना, मतलब जमीन के नीचे जो भी उत्पन्न होता है नहीं खाना, ये सब रॉन्ग है। हर चीज खा सकता है, इसमें भी सारे वेजिटेबल्स को एंड मसाला को एंड अदरक, टमाटो और हरा मिर्च, हरा धनिया एंड लहसुन, सारे चीज को पेस्ट वगैरह लगा करके डाल करके उबालना कुकर में। जो पानी रिलीज होता है वो पानी सेपरेट करके परिवार ले लेगा। इसके लिए तड़का दे करके आधा टीस्पून से एक टीस्पून घी या मक्खन से कितना क्वांटिटी पेशेंट को चाहे उसको निकाल देना। बाद में परिवार लोगों को उसको नमक डाल करके परिवार लेना है। ये पेशेंट 1 ग्राम का नमक जो सीमित है उसी में उसको यूज करना है, उसी तरह से दाल वगैरह भी वो ये करके। सो नहीं तो जनरली क्या करता है, कढ़ाई में सारे सब्जी डालता है, धीरे 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 पकता है, वो पानी वगैरह उसी में ड्राई हो जाता है और उसको तड़का देता है, वो भी ज्यादा तेल। ऐसा चीज जहर है ये किडनी पेशेंट्स और लिवर सिरोसिस पेशेंट्स की, इवन ILD, सो लंग डिजॉर्डर का भी। सो इसलिए मैं कुकर में उबालना, पानी निकाल देना और उसको तड़का देना, वो भी 1/2 टीस्पून टू 1 टीस्पून, वो भी सेपरेटली पेशेंट को नहीं बनाना। सेपरेटली पेशेंट को बनाना तो कभी जिंदगी में नहीं खा सकता है। बहुत आदमी हमको बोलता है सर हम नहीं खा सकता हूँ, इन लोग हमारा फैमिली पूरा उबाल दिया, पानी निकाल दिया, उसके बाद में कुछ बनाया, उसमें कुछ मिर्च नहीं, कुछ नहीं, टमाटर नहीं और उसमें इमली नहीं, ऐसा, और लेमन नहीं, हर चीज़ डाल सकता है क्योंकि ये सारे चीज़ हमारे पिताजी का ऊपर एक्सपेरिमेंट किए सक्सेसफुली। इसलिए इसको आप लोग ध्यान में रखिए एंड डिटेल्ड भी प्रिंटेड फॉर्मेट है, डाउनलोड कीजिए, उसको पढ़ लीजिए। थैंक यू।